How to reduce antminer sound in right way. Welcome again दोस्तों, आज इस वीडियो में माइनिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। जब भी माइनिंग करने की बात आती है तो अक्सर माइनर्स को इन दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहला तो है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, क्योंकि ज़्यादातर माइनर्स बहुत ही ज़्यादा पावर के होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा बिजली बिल बन जाता है। और दूसरा है माइनर का साउंड। बहुत सारे लोग तो बिजली का जुगाड़ कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी माइनर के साउंड को कम नहीं कर पाते हैं, जिससे वे हमेशा परेशान रहते हैं और सोचते हैं काश कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे साउंड कम हो सके। तो इसी को देखते हुए हमने एंड माइनर के साउंड को कम करने की कोशिश की है और वाकई में एंड में जो हमें रिजल्ट मिला है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। अगर आप भी अपने माइनर का नॉइज़ कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं तो आधे वीडियो देखकर काम करोगे तो साउंड कम करने की जगह माइनर ही बंद पड़ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम माइनर के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे और कम से कम बिजली बिल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का तरीका बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ब्रांड न्यू माइनर हमारे कस्टमर का है। वे माइनर के साउंड को लेकर परेशान थे तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर कुछ हो सके तो उनके मशीन की साउंड कम कर दें। तो हम भी हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं जिससे हमें ये साउंड कम करने का तरीका पता चला और इस समय बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। तो चलिए इसी का साउंड कम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मशीन को चेक कर लेंगे, ये मशीन ठीक से चल रहा है या नहीं। मशीन को चालू करने के लिए बस दो पावर केबल और एक इंटरनेट केबल लगा देना है और बस पावर ऑन कर देना है और देखिए आपका मशीन चलने लगेगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं मशीन बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, कंप्लीट हैश रेट आ रहा है और इसका टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो साउंड कम करने के लिए सबसे पहले आपको वेनिस का फर्मवेयर डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले अपने पेन ड्राइव को पीसी में कनेक्ट करना है, उसके बाद पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारने के बाद इसमें वेनिस के 5 फाइल मिलेंगे उसको इसमें एक्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही कीजिएगा। फिर पेन ड्राइव में OTG लगाकर मशीन के पोर्ट से कनेक्ट कर दें, उसके बाद मशीन को पावर ऑन कर दें। और देखें जब तक यहाँ ग्रीन लाइट नहीं आ जाती तब तक इंतज़ार करें। ग्रीन लाइट जल रही है, कंटिन्यू जल रही है, मतलब ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। ये ठीक है, अब हम माइनर को बंद कर देंगे, वापस निकालेंगे, अब डिलीट करेंगे। ध्यान रहे बंद वाले फाइल को डिलीट करना है जिसके कोने में गियर का सिंबल हो। उसके बाद पेन ड्राइव को निकालकर मशीन में लगा देना है। ये सेकंड स्टेप है, याद रहे मशीन को हमेशा बंद करके ही पेन ड्राइव निकालें और लगाएं। फिर ऑन करेंगे, ये लाइट ऑफ है अभी। माइनर रिस्टार्ट होने का इंतजार करेंगे अपने आप, कोई लाइटें नहीं जल रही हैं, कुछ देर इंतजार करेंगे यहाँ पे। देखिए स्टार्ट हो रहा है हल्का सा, इंतजार करेंगे।
माइनर प्रिंटर से स्टार्ट होने के बाद अपने डेस्कटॉप पर इसकी आईपी डालेंगे और यहाँ पर वेनिस का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप में एंटमाइनर का इंटरफेस आ रहा है तो आपका वेनिस इंस्टॉल नहीं हुआ है, फिर से स्टेप वन से प्रोसेस को दोबारा करें। वेनिस का पासवर्ड यहाँ एडमिन डाल दें। सबसे पहले यहाँ माइनिंग पर क्लिक करना है, फिर अपना फुल एड्रेस और नाम यहाँ डाल देना है। इसके बाद यहाँ सेव कर लेंगे, फिर यहाँ परफॉर्मेंस में आएंगे और अपना 90TA सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका 95 है या 600 तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ सेव कर लेंगे। जैसे कि आप इसके डैशबोर्ड पर देख सकते हैं, इसका फैन ऑटोमेटिकली 70 पर सेट है। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है इसलिए फैन स्पीड ये आ रही है। हम इसे और भी कम कर सकते हैं। माइनर अभी रिस्टार्ट हो रहा है। यहाँ माइनिंग में जाकर कूलिंग पर क्लिक करेंगे और ये टेम्परेचर को 80 पर सेट कर देंगे। इसको 80 पर कर देंगे क्योंकि 80 पर नॉर्मल है इसकी फैन स्पीड। इसके बाद यदि 80 के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो फैन स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसको 80 पर सेट कर देंगे तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर जाने ही नहीं देगा, भले ही फैन स्पीड इंक्रीज हो जाए लेकिन 80 पर स्टेबल करके रखेगा। ठीक है, अब हम इंतजार करेंगे। फैन स्पीड देखिए 51 डाउन हो रहा है, ये और भी डाउन हो जाएगा, 30 पर आ जाएगा और आपका टेम्परेचर यहाँ दिखाएगा। देखिए 40 से 52 पर चल रहा है। अभी थोड़ा और इंतजार करेंगे, देखिए ये डाउन हो रहा है और इसके साथ साथ फैन की आवाज़ भी डाउन हो रही है और इसके साथ साथ माइनर का साउंड भी कम होता जा रहा है। फैन स्पीड कम होगी तो माइनर का शोर भी कम हो जाएगा, तो हम ऐसे शोर से छुटकारा पा सकते हैं। और मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए 58 पर है और कंपनी जो है नॉर्मली 100 पर सेट करके देती है कि जैसे ही टेम्परेचर 60 के ऊपर जाए फैन स्पीड ऑटोमेटिकली फुल हो जाए। और हाँ, ये ऑटो ट्यूनिंग चल रही है, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक माइनर को बंद नहीं करना है, चाहे माइनर कितनी बार रिस्टार्ट क्यों ना हो जाए। ओके, ऑटोमेटिक ये आ गया ना, क्या चेक कर लेंगे हम। आ गया है, यहाँ पे आ गया है, अब चलते अब बंद करना है, पेन ड्राइव निकाल लेना है, फ्लैश हो चुका है चालू। ठीक है, जैसा कि आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी कम हो गई है। बहुत ही कम, एक रूम में चला दिया जाए तो ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।